इसमें ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो उनको 12 फरवरी को जो है वो फ्लाई करना था कराची एयरपोर्ट से। तो वो जो है जैसे ही कराची एयरपोर्ट आ रहे थे तो रास्ते में उनका जो पासपोर्ट और आईडी कार्ड और दूसरे उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनका जो शोल्डर बैग वो गुम हो गया। ओय तो जब वो कराची में गेट पे उतरे अपने हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी घर के बाहर, तो उन्होंने अपना मुझे फ़ोन किया कि मैंने बड़ा बैग उतारा है और जिसमें पासपोर्ट वगैरह आईडी कार्ड थे वो जो है रक्षे में भूल गया हूँ। फिर उस वक्त टाइम था रात के थे, संडे ढाई और मंडे की रात थी, दो और उस ढाई वक्त टाइम था पाकिस्तान का 1:30-2 बजे ऐसे दो ढाई वही जी आगे जी, और उनकी फ़्लाइट थी 4:45 बजे। गुड तो मैंने उसी टाइम जो है ग्रुप में इमरजेंसी लिखा कि प्लीज़ हेल्प। तो पहले मैंने 19 टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ के और दुआ मांगी कि रिक्शे वाला अल्लाह करे खुद ही आके दे जाए, इतने बड़े कराची के शहर में रिक्शे वाला कहाँ मिलेगा। सही बात है। फिर जो है पपाया वाली बाजी ने मुझे ग्रुप में कॉल की और मुझे कहा कि 6,000 बिस्मिल्लाह स्ट्रीम सुनिए आप, गुड और जो है दुआ तवज्जो पोस्ट भी गुड जो है वो भी पोस्ट करें। तो मैंने वो भी किया और बिस्मिल्लाह की स्ट्रीम मैंने स्टार्ट कर दी, और हस्बैंड को भी बोला कि वो स्ट्रीम जो है वो वहाँ पे भी सुने। तो वो भी स्ट्रीम सुन भी रहे थे, और उन्होंने दोस्त की गाड़ी ली, ड्राइवर लिया और रिक्शा ढूंढने चले गए। शुक्र है कि जहाँ पे रिक्शे वाले खड़े होते हैं तो वहाँ पे उनको वो रिक्शे वाला मिल गया, लेकिन उनका बैग रिक्शे में नहीं था। फिर वो बस के अड्डे पे गए जहाँ वो कोच में जिस कोच में वो हैदराबाद से निकले थे, तो वो कोच वाला भी इत्तेफाक से मिल गया लेकिन उनका बैग उसमें भी नहीं था, नहीं मिला। तो फ्लाइट में 1.5 घंटा बच गया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो फिर मैंने ये किया कि उनकी जो टिकट है वो कैंसिल करवा दी, मतलब आगे करवा दी, कैंसिल नहीं हो रही थी, रिफंड भी नहीं हो रहा था, तो मैंने आगे करवा दी 2-3 हफ्ते। तो फिर जो है उसी वक्त मैंने एम्बेसी वालों को ईमेल वगैरह किए, यहाँ हॉलैंड की एम्बेसी वालों को भी और पाकिस्तान एम्बेसी को भी ईमेल वगैरह किए कि ये मसला हो गया है, तो आप मेहरबानी करके इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना दें ताकि मेरे हस्बैंड जो है वो हॉलैंड आ सकें। तो मंडे वाली सुबह मैंने फिर एम्बेसी को कॉल भी की, सारा बताया, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये इस वेबसाइट पे जाएं और ये स्टेप जो है फॉलो करें, और उनका जो पासपोर्ट है उनकी अगर आपके पास फ़ोटो है या आईडी कार्ड की फ़ोटो, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरी की, उनको भेजी। तो ट्यूसडे को उन्होंने एम्बेसी वालों ने मेरे हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने कहा कि हम ईमेल पे आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, आपको खुद इस्लामाबाद आना पड़ेगा साइन करने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ट्यूसडे को ही बाय एयर गए इस्लामाबाद। तो सुबह वेनिस्टे वाली सुबह को उनको जो है वो डॉक्यूमेंट मिल गया वहाँ एम्बेसी से। तो वो कल जो है कल सुबह की उनकी फ़्लाइट थी और कल दोपहर को वो यहाँ पहुँच गए, माशाल्लाह से, शुक्र है अल्लाह का।